जम्मू कश्मीर वोटिंग। तो देखते हैं लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है जो शाम 7 बजे तक जारी रहेगा। बता दें कि पहले चरण में राज्य की 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसमें कश्मीर की 16 और जम्मू की 8 सीटें शामिल हैं। तो वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कोई लापरवाही ना हो इसके लिए एजेंसियां सतर्क हैं। साथ ही चुनाव आयोग ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। जाहिर है कि जम्मू कश्मीर में कुल 3 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण में आज वोटिंग हो रही है और दूसरे चरण में 25 सितंबर को, तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 8 अक्टूबर को नतीजे सबके सामने होंगे। 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 13 मुख्य दलों में मुकाबला हो रहा है। देखिए आज सुबह मतदान केंद्र पर वोटिंग करते मतदाता। दस साल के बाद हमको ये मौका मिला है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि भाई वो अपना नुमाइंदा चुने और अपनी मंत्री के बाद सरकार चुने। तो ये आप देख रहे हैं कि लोगों में कितनी खुशी है। तो शुक्र है अल्लाह का कि 10 साल के बाद दिल्ली वालों को ये याद आया कि भाई जम्मू कश्मीर भी है, जम्मू कश्मीर के लोग भी। देखिए ये जो कतारें आपको दिख रही है, महंगाई, बेरोजगारी और जो ये अफसरशाही, तानाशाही, ये सारा उसके खिलाफ जो है ये लोगों का रोष है जो आज सड़कों पे है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। भाई साहब देर आए दुरुस्त आए, 10 साल लग गए, लेकिन ये भाई अब जो कश्मीरियों के भला होना शुरू हो जाएगा। अच्छी बात है। एक तो जो सबसे अच्छी जो चीज होती है ना, मुझे याद है पहली दफा जब मैंने वोट दिया था ना जिंदगी में, जब मेरा शनाख्ती कार्ड बना था, तो यकीन माने
एक अपनी मर्जी का वोट देने का ना एक अलग ही सुकून होता है, अमानत है ये कसम से। अच्छा। लेकिन तब भी गलत बंदे को वोट, चलो गलत बंदे इमरान खान को पहला भी वोट उसको दिया, दूसरा भी उसको दिया। एक गलती ये कि भाई हमारा चुकी ये काटा गया, सीधी बात है। ये होती है कि आप जो पिछले 10 सालों में जो भी पैसा ये जो भी चीजें जम्मू पे इन्वेस्ट हुई है, अब अकाउंटेबिलिटी तो होगी। अब एक सीएम आएगा, उनके लिए जो रिजर्व रखे होंगे दिल्ली से डायरेक्ट इनको आएंगे, चलो करप्शन आएगा, लेकिन ना कुछ इनको पता तो होगा हमारी डायरेक्शन की, वोट की ताकत से आएगा भाई। सबसे बड़ी चीज है वोट की ताकत से यहाँ कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये है कि डायरेक्शन बन जाती है हमारे सूबे का सीएम है। बात हुई अगर आवाम वोट नहीं देगी तो कहता वोटों से नहीं, वोट ना देगी तो सीएम कैसे बनेगा? वोट की ताकत से सीएम बनना है, अपनी मर्जी तो बीजेपी पहले 2014 से चला रही है। हम क्यों कहते हैं कि ये नूनी वाले आवाम की मर्जी आवाम के वोट से नहीं बने? वो ऐसे ही बैठे जैसे बीजेपी अपनी मर्जी से चला रही थी पहले जम्मू कश्मीर में, इसी तरह आज हमारी हुकूमत है वो अपनी मर्जी से हुकूमत बना के बैठी, जो वोट की ताकत से जीते उनको नहीं आगे आने दिया। पहले तुम आवाम की ताकत से नहीं आ, मैं कह रहा हूँ आवाम की ताकत से जो भी जीत गया उसको बिठाना चाहिए। आवाम की ताकत जैसे आवाम की वोट की ताकत से इमरान खान जीता है ना, उसको नहीं आने दिया गया, इसी तरह ये भी आवाम चूज करेगी, बीजेपी भी जीतती कांग्रेस जीतती है, कोई भी जीत जाए 13 पार्टियां भाई कोई ना कोई तो जीते गई। लेकिन ये भाई इससे ना एक कश्मीरियों का जो राइट्स होते हैं ना बेसिक वो मिलेंगे भाई, अपनी वो आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी जहाँ होती है आवाज बंदा आवाज उठाता है। तो साहब जरा अगर कर को इनका कोई मुद्दा होगा तो भाई साहब जिसको वोट दिए भाई के पास जाकर बात कर सकते हैं। जिस तरह की ये जो स्टेट है ना, जो सबसे सबसे बड़ी चीज है, अगर एक सीएम आएगा ना तो नॉट मैटर वो जिस पार्टी का, लेकिन अवाम को ये चीज कंफर्म हो जाए कि हमें कुछ स्क्योर हो जाएंगे हमारे स्कूल कॉलेजेस रोड्स इनमें कुछ बेहतर चलने लग जाए। हाँ ये चीज है। अब लेकिन एक और चीज जो स्टेट बैठी हुई है जम्मू में, क्या आ रहा कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, जब इलेक्शन हो जाएंगे एक सिम्मत बन जाती है चलाने के लिए, बिल्कुल बनेंगे। बस ये भी देख लो पिछले कुछ सालों में जब आर्टिकल 370 हटा है पहले बड़ा कुछ हो चुका है भाई, उसके बाद जो अलग स्टेट के सरकार के पास थी ये पावर था। अच्छा ये डायरेक्ट नई दिल्ली के पास? हाँ पावर उनके पास थी, यूनियन टेरिटरी की उनके पास। आज भी सीएम बन भी जाए हर कोई तो उनके हाथ में रहना है, या वो नहीं वो अलग मुद्दा। लेकिन भाई उनके टाइम पे उन्होंने भाई साहब कश्मीर में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट चलाए हैं, उन्होंने डेवलपमेंट किया है, स्कूल कॉलेज अस्पताल रेलवे रोड यूनिवर्सिटियां। कहते हैं कि जो हमारा पाकिस्तानी जिसे हम आजाद कश्मीर कहते हैं, कहते हैं इससे ज्यादा वहाँ पे अब फैसिलिटियां हैं जम्मू, ज्यादा कहीं ज्यादा, ये जमीन बनाई नहीं, ये हकीकत है। भाई इतना फर्क है जितना हमारी इकानमी और इंडिया की इकानमी में फर्क है। अच्छा उनको फिर वो फर्क जो सिक्योरिटी का डर वगैरह वो भी अब नहीं होगा, वो जम्मू के जो पाकिस्तान का प्रोग्राम तो पिछले दिनों कुछ बजट बोला था 14 बिलियन दिए थे कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को। अब आप जबान बाहर निकाल रहे हैं हमारे पूरे, मैंने नहीं ना पढ़ा, मैंने सर्च भी नहीं, पाकिस्तान के पढ़ के जम्मू को दी है। पूछ लो अब छोड़ दो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये छोड़ भाई वो कहते हैं हम पे। मतलब ये है कि वो जैसे इंडिया में सिक्योर भी है, इंडिया में फैसिलिटियां भी है, सेम जम्मू वैसे ही हो, जो दिल्ली में रह के मिल रहे हैं मेन बात है वो जम्मू वालों को भी मिल रहे हैं। मतलब यूनिवर्सिटी कुछ बनी है, जो मेन यूनिवर्सिटी है ना एम्स अस्पताल है जो बड़ा होता है। अच्छा इंडिया का टॉप का काला स्कूल यूनिवर्सिटी टॉप जो आईजी यूनिवर्सिटी है, और IIM जो बिजनेस के बारे में जो सबसे बड़ा इनका जो टनल बना के उपेंद्र चला दिए तारक साहब, वो भी बताओ कितने ने बिचारियां की सबसे ऊंची, और ये ब्रिज की शारक पर उन्होंने मेरी शारक के ऊपर से उन्होंने ब्रिज बना के ट्रेन चला रहा है, ये हमारी शारक खुदा का नाम, ये उनको दे दो मर गए तो ले तो लिया उन्होंने नाम दे तो कश्मीर दे।
दे दिया है। हमारा नहीं देना हमने। क्या यार वो गलती भाई साहब बिल्कुल नहीं। क्या क्या करना सब पानी उन्होंने क्या हमारे पानी पानी और बिजली उधर से आ रही है भूखा मरना है हम तो वैसे जंगल में जाके इतना भी चला गया ना ये जो भूत आ जाते वो भी नहीं आएंगे। हां जी चले जी ठीक है भाई अपनी राजरूपता का कमर तक लेकिन भाई कश्मीर ये बंदा आज के दिन में इतने दिन से हम वहाँ के कश्मीर की तरक्की देख रहे हैं एक मरतबा हमने नहीं हम अपना कश्मीर उनको दे देंगे। ये पहली वीडियो में चूतिया इसका काटा क्या कह रहा है कि ये भी कश्मीर उनको दे दो हम तो वो बहुत सगा भूखे मर रहे हैं कुछ उनका अच्छा हो गया इनका भी अच्छा हो रहा है हमारी साइड बात चले जी ठीक है लास्ट में भी हमारी तो ये भाइयों की दुआ है अच्छे अच्छे हो जाए कोई मसला मसला बड़े अमन से कोई अच्छा मजाक कर रहा था। बात ये है कि मुझे वाकई नहीं पता कि वो इतनी भाई बहुत ज्यादा कश्मीर में और ये मास्टर प्लानिंग एक और भी चीज है भाई जैसे आवाम के लिए अच्छा तो अच्छा हो रहा है पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा कोशिश कुछ भी नहीं होता पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि ये इलेक्शन जो है ढंग से ना हो पाए कहीं दहशतगर्दी के अटैक हुए पाकिस्तान की तरफ से लेकिन फिर भी भाई उन्होंने सिक्योरिटी का इंतजाम किया उन्होंने भाई साहब पाकिस्तान की नाक के नीचे इलेक्शन करवाए और ये आई विश के भाई अच्छे से हो जाए और कश्मीरियों को उनके हकूक मिले। तारिक भाई मैं इधर एक ना कंक्लूजन करना चाहता हूँ एक बात जो मैंने सीखी इतनी मेरी 35 साल उम्र जो पाकिस्तान के हालात है ना उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कोई माने या ना माने बल्कि आप साहब के ऊपर हमारी लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग नहीं सही बात यूसुफ भाई जो मर्जी पांच साल वजीर आजम को टिकने नहीं देते ये एक बात यार दो मिनट लंबी बात हो जाएगी भाई नहीं मैं छोटी सी बात लंबी करने वाली प्लानिंग 75 साल से ये की प्लानिंग चल ही करता प्लानिंग लंबी नहीं होती इतनी बड़ी प्लानिंग दुनिया में किसी को नहीं बनेगा पाकिस्तान कोई जितनी हमारी वाली प्लानिंग की बात कर तो ये वही प्लानिंग ये मतलब ये पागल बंदा बैठा हुआ है। अब यहाँ पर इंडियन भाइयों को भी एक मशवरा देते चले जाए आपको बहुत ख्वाब आ रहा है चुल्ल हो रही है पाकिस्तान वाला कश्मीर लेने की वो आपकी हालत भी ये हो जाएगी अगर आपने उसका चूरन बेचना शुरू हमारे कदमों पे रहे तो जी आप अपना करें हम अब यकूब जो बोला ना हमारे कदमों पे रहे मतलब कदमों पे गिरने की बात नहीं हमारा जो रास्ता है उसको अख्तियार नहीं करना अच्छा किया आपने समझा दिया आज कहीं भाई उल्टा ले जाते हैं चले जी ठीक है भाई अपने ग्रुप तक कमेंट सेक्शन में मिलते हैं वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाजत दें अल्लाह हाफिज़।